लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करके सत्ता में दोबारा आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पहली बार मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम के दौरान रोहतक में सांसद अरविंद शर्मा ने ग्रामीणों के साथ बैठकर प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात सुनी। सांसद ने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री के आह्वान पर देश भर ने स्वच्छ भारत मिशन को अपनाया, उसी तरह अब जल संरक्षण को लेकर भी देश एक साथ खड़ा होगा। इस मौके पर सांसद शर्मा ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का भी दावा किया। प्रधानमंत्री जी को चिंता कि किस तरह से लोगों तक पीने का पानी, स्वच्छ पानी और खेती के लिए, सिंचाई के लिए पानी लोगों तक कैसे पहुंचे, कैसे मिले। आने वाले समय में पानी पर एक पूरा केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार पूरा फोकस किया है, पूरा ध्यान दिया है, अलग मंत्रालय बनाया है, बहुत अलग से बहुत अच्छा बजट जो है मिलेगा। प्रधानमंत्री जी को अपील आई है पानी के संरक्षण के लिए, तो मैं कहता हूँ लोग इस भावना को, इस प्यार को समझेंगे और लोग इस काम में जुट जाएंगे और पूरा असर इस बात का, आपको थोड़े समय रुक जाओ।